है। हम लोग खजुराहो मंदिर में आ गए हैं। सीढ़ियां हैं खजुराहो मंदिर का, आके बनाया गया है पत्थर को। 11 मंदिर है तो ठीक है, और ये सारा यहाँ का मेन मंदिर है खजुराहो में, उसमें आ गए हैं। मंगतेश्वर महादेव मंदिर, दोस्तों स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी आ गया मैं खजुराहो मंदिर में, और अभी पूरे ब्लॉग में मैं खजुराहो मंदिर दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये खजुराहो मंदिर जो है वो एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और आप आराम से यहाँ पे रेलवे से भी ट्रेन से आ सकते हो। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है खजुराहो का, उससे भी आ सकते हो, बाई बस भी आ सकते हो, या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल वगैरह करके भी यहाँ आ सकते हो। और ये मंदिर बहुत पुराना है, और इसमें बताया गया पुराने समय में पहाड़ को काट काट के जैसे नक्काशी करके यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों साथ में मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ दो लोग हैं, इसमें आपको यहाँ पे राम मिल जाएगा, हेलो, और साथ में यहाँ राजन है, तो ये साथ में है, और हम सब यहाँ पे एक साथ यहाँ पूरा ये मंदिर घूमेंगे और आपको भी दिखाते हैं इसको। दोस्तों फाइनली हम लोग खजुराहो मंदिर में आ गए हैं, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये मंदिर का पोर्शन है ये सारा, और ये पूरा एरिया मंदिर का। तो मैं अभी इसके अंदर का भी दिखाऊंगा आपको व्यू, और ये देख सकते हैं कई मंदिर है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये मंदिर है। दोस्तों ये देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं खजुराहो मंदिर का, और अभी मंदिर की तरफ चल रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आगे अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये सारा मंदिर है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे नक्काशी कर करके बनाया गया है पत्थर को। ये सारा मंदिर का व्यू है, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर का व्यू है ये। दोस्तों ये देख सकते हो ये खजुराहो मंदिर है, और किस तरीके से पत्थर को काट काट के यहाँ नक्काशी करके ये बनाया गया है सारा। इस पर अलग अलग तरह के आपको डिज़ाइन मिलेंगे, और कई तरह की आकृतियाँ मिलेंगी यहाँ पे। बहुत ही शानदार मंदिर बनाया गया है ये, उस जमाने 10th सेंचुरी में ये मंदिर बनाया गया था यहाँ पे, और लगभग 16 सेंचुरी में यहाँ पे 15-16 सेंचुरी में मुग़ल आए थे, उन्होंने कई बार डिस्ट्रॉय करने का भी इसको कोशिश किया है, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना। देख सकते हो कितनी जबरदस्त नक्काशी की गई है पत्थरों को काट काट के, ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर है, और सब में डिजाइन वगैरह बनाया गया है। दोस्तों ये देख सकते हो सामने ये दो मंदिर है, फिर यहाँ पे एक तीसरा मंदिर है, फिर यहाँ पे ये चौथा मंदिर, टोटल यहाँ पे बताया जाता है कि 11 मंदिर है। तो और ये 10वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाए गए थे, और उस समय का बनाया हुआ है, और ऐसे डिज़ाइन है कि देख के लगता है कि कैसे उस समय ये बनाया गया होगा। इतना नक्काशी की गई है यहाँ पे, इतने कला को दिखाया गया है। ये दूसरा मंदिर है, और यहाँ पे अलग नक्काशी है, और ये सारा यहाँ का दृश्य है, देख सकते हो मंदिर का पूरा बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग किया हो गया है इसके ऊपर, ये सारे डिज़ाइन है, और ये पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है, पत्थर को काट काट के डिज़ाइन करके बना हुआ है। और इस मंदिर में देखिए सबसे अच्छी खूबी कि सीधा यहाँ पे रोशनी आती है, और सामने जो ये शिवलिंग है इससे सीधा रोशनी आती है, ये सामने शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पे, और ये सामने का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये भी एक मंदिर है, सामने नंदी मंदिर है, और ये पूरा एरिया है यहाँ का, और ये भी एक मंदिर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 11 मंदिर है बताया गया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। हाँ भाई,
हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन मंदिर है खजुराहो में उसमें आ गए हैं। और चलिए वीडियो में वो दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देख सकते हैं ये सामने मेन मंदिर है और इसमें चलते हैं। और ये सारे मंदिर, ये पूरा एरिया है यहाँ का। दोस्तों ये मंदिर है, इसका नाम है जय श्री मंगतेश्वर महादेव मंदिर। और इसके बगल में ये सारे मंदिर भी हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है और उसके बाद ये मंदिर का एरिया। मंदिर में चलते हैं। बहुत ही हाइट पे बना हुआ ये मंदिर है और ये देख सकते हैं मंदिर के आसपास का ये एरिया पूरा। दोस्तों ये देख सकते हो शिवलिंग और ये मंदिर का पूरा एरिया। दोस्तों ये देख सकते हो कितना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे और पूजा करते हैं यहाँ पे। और जहाँ से ऊपर जाना है, भोले बाबा की जय। फाइनली दोस्तों यहाँ खजुराहो मंदिर में आए थे, खजुराहो मंदिर में, और सारा मंदिर हमने घूम लिया। लास्ट में ये मंगतेश्वर मंदिर था, महादेव मंदिर ये भी घूम लिया। कैसे लगा आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। ये थोड़ी सी गर्मी ने मजा किरकिरा कर दिया। हाँ ये है कि आपसे कि आप गर्मी में ना आकर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो या फिर ठंडियों के मौसम में आने की कोशिश करें। आप पूरा ही आप इसका मंदिर का लुत्फ उठा पाएंगे और पूरा इंजॉय कर पाएंगे आप। तो मेरी गुजारिश है कि आप गर्मी में ना आए। नहीं, मेरा भी यही कहना है कि इस समय धूप बहुत ज़्यादा रहता है, अप्रैल मई जून जुलाई ये सब महीने में। या तो सर्दी में आए तो बरसात के मौसम में आए, उस समय बहुत अच्छा रहता है घूमना। हमने पूरा मंदिर घूम लिया और बढ़िया से मज़ा आया यहाँ पे। तो चलिए ये ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।